हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां हर हाल में भारत को अपने साथ रखें। जी हां दोस्तों, जापान के पूर्व पीएम ने रशिया पर भारत के रुख को लेकर दिया बहुत बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, अभी की सबसे ताजा और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर इमरान खान को लेकर आज कोर्ट में क्या फैसला हुआ। दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे और इसी बीच बताएंगे जहां पर भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है, इमरान खान का जाना कैसे पाकिस्तान के राजनीतिक संकट का दुनिया पर पड़ेगा असर। दोस्तों बताएंगे आपको इसी बीच बताएंगे जहां पर श्रीनगर के लाल चौक के पास बड़ा आतंकी हमला हुआ है। दोस्तों और साथ ही बताएंगे जहां पर श्रीलंका की डूबती नैया को लेकर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अफसरों ने मोदी जी से कह दी है बड़ी बात भारत को लेकर। दोस्तों बताएंगे फ्री में बांटने वाली स्कीम को लेकर मोदी जी के मंत्रियों ने अफसरों ने दोस्तों मोदी जी को दी है ये नसीहत। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर शिवपाल को डिप्टी स्पीकर बनाने की अटकलों से समाजवादी पार्टी में बड़ी बेचैनी, और राज ठाकरे के बीजेपी को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों साथ ही आपको बताएंगे जहां पर खुद सीएम नीतीश कुमार ने दोस्तों राज्यसभा जाने की अटकलों को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों तो हर तरह की जानकारी हम आपको अभी देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। दोस्तों और मानते हैं कि भारत देश नंबर वन देश है और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जापान के पूर्व पीएम ने रूस पर भारत के रुख को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा हर हाल में भारत को साथ रखें। जी हाँ दोस्तों, भारत को छोड़कर क्वाड के सभी सदस्य देश बोले तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा कर रहे हैं और उन्होंने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगा रखे हैं, लेकिन भारत रूस यूक्रेन युद्ध पर निष्पक्ष रुख अपनाए हुए है। अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत रूस की आलोचना करे। क्वाड सदस्य जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा ने भी रूसी हमले को लेकर भारत के रुख पर टिप्पणी की है। सुगा ने कहा है कि रूसी हमले की निंदा करने की भारत की अनिच्छा के बावजूद क्वाड देशों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को ये कोशिश करनी चाहिए कि भारत उनके पाले में रहे। जापान की फूजी टीवी के एक कार्यक्रम में उन्होंने बोलते हुए कहा कि चार देशों के इस ढांचे की रक्षा करना स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत की शांति और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। जापान भारत को हर तरीके से संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है। कार्यक्रम में 73 वर्षीय पूर्व नेता से पूछा गया कि क्वाड सुरक्षा वार्ता के सदस्य भारत को रूस के युद्ध के खिलाफ एक आम रुख अपनाने के लिए मनाने में सफल क्यों नहीं हो सके। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूसी आक्रमण की निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग से भी खुद को कई बार दूर रखा है, जिससे पता चलता है कि भारत मुद्दे पर तटस्थ रहना चाहता है। दोस्तों जवाब में उन्होंने कहा कि भारत शुरू से ही सबसे बड़ी चुनौती था। उन्होंने कहा कि भारत शुरू में क्वाड को इंडो पैसिफिक के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखता था। सुगा ने कहा, लेकिन जापान के दृष्टिकोण से भारत को क्वाड में शामिल करना समग्र रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने कई प्रयास करके भारत को क्वाड में शामिल कराया। सुगा ने जोर देकर कहा कि क्वाड के लिए न केवल भारत को पाले में रखना महत्वपूर्ण है, बल्कि उसे अन्य देशों को भी पक्ष में रखने की कोशिश करनी चाहिए, आसियान के देशों को भी पाले में लाना चाहिए। तो देखा दोस्तों आपने कैसे भारत को लेकर हर देश में, हर सुपर पावर कंट्रीज में दोस्तों भारत को लेकर बातें होती हैं और भारत को अपने पाले में रखने के लिए आपस में लड़ाइयां भी होती हैं। दोस्तों अब आप समझ पा रहे होंगे कि भारत की अब क्या स्थिति है दोस्तों पूरे विश्व में। इसके पीछे सबसे बड़ा दोस्तों श्रेय किसको जाता है कमेंट में बताइएगा जरूर, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है ताकि हर किसी को पता चले आज भारत की अहमियत क्या है पूरी दुनिया में। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां कोर्ट ने कहा कि ये संविधान से जुड़ा मामला है, जल्दी फैसला नहीं दे सकते, अब कल होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में जारी सियासी संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी फैसला नहीं हो सका। कोर्ट ने मामले की सुनवाई कल यानी मंगलवार दोपहर 12:30 बजे होगी ये कहकर टाल दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये संविधान से जुड़ा मामला है, इसलिए जल्दबाजी में कोई
कोई फैसला नहीं दे सकते हैं। इसी बीच आपको बता दे दोस्तों, जहां इमरान खान ने संविधान का गला घोंटा, सुप्रीम कोर्ट साबित करे ये कागज का टुकड़ा नहीं, विपक्षी दलों ने लगाई है गुहार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री इमरान खान के देश में संसद को भंग करके आम चुनाव कराने के फैसले पर देश के विपक्षी दल बुरी तरह से भड़क उठे हैं और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की मांग की है। पाकिस्तान की प्रमुख विपक्षी पार्टी PMLN के नेता शाहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान देश में नागरिक मार्शल लॉ लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान का कदम संविधान विरोधी है। तो वहीं बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान ने संविधान का गला घोंटा है और साजिश के तहत कानून को तोड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां भारत के लिए गुड न्यूज है इमरान खान का जाना, बता दें कैसे पाकिस्तान के राजनीतिक संकट का दुनिया पर पड़ रहा है असर। जी हाँ दोस्तों, इमरान और राष्ट्रपति की इस चाल से विपक्ष भड़का हुआ है दोस्तों, और पाकिस्तान में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। विश्लेषकों का मानना है कि इमरान खान का जाना भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है। परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण दुनिया के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। पाकिस्तान के पश्चिम अफगानिस्तान है तो पूर्वोत्तर इलाके में चीन, पूर्व की ओर भारत। साल 2018 में सत्ता में आने के बाद इमरान खान ने अमेरिका विरोधी रुख अपना रखा था और उन्होंने चीन और रूस के साथ दोस्ती प्रगाढ़ करने का इरादा जताया था। यही नहीं, इमरान खान ने यूक्रेन पर हमले के बीच पुतिन से मुलाकात करके सबको हैरान कर दिया था। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान में सेना हर चीज नियंत्रित करती है, इसलिए देश में राजनीतिक अस्थिरता का बहुत सीमित असर होगा। ऐसे में दोस्तों भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है इमरान खान का जाना। ऐसे में गुड बाय, टाटा बाय बाय इमरान खान, जरूर कह दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तानी राजनीतिक संकट पर शशि थरूर का आया बयान, कहा पाकिस्तान में PM की गद्दी पर जो भी बैठे देश तो फौज ही चलाएगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर ने सोमवार को पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक संकट पर तंज कसा। थरूर ने कहा कि पाकिस्तान असेंबली के स्पीकर ने वोट नहीं करने दिया, राष्ट्रपति ने असेंबली भंग कर दिया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इससे पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की गद्दी पर जो भी बैठे पर देश तो पाकिस्तानी फौज ही चलाएगी। आपकी क्या राय इनको लेकर दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां श्रीनगर में लाल चौक के पास आतंकी हमला, CRPF के 2 जवान हुए घायल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के लाल चौक के निकट एक आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में CRPF के 2 जवानों के घायल होने की खबर है। ये हमला दोस्तों लाल चौक के निकट मैसूमा इलाके में हुआ। घटना को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है दोस्तों, और ऐसे में उन दोनों घायल जवानों को गेट वेल सून जरूर कह दीजिएगा आप लोग। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर श्रीलंका की तरह कंगाल होने के कगार पर देश के कई राज्य। दोस्तों आपको बता दें, फ्री बांटने वाली स्कीमों पर PM मोदी से बोले अफसर, कहा तो हमारा हाल भी श्रीलंका जैसा ना हो जाए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ बैठक में कुछ अधिकारियों ने कई राज्यों की ओर से घोषित लोकलू भावन योजनाओं पर चिंता जताई। अधिकारियों ने दावा किया है कि वे आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है और वे उन्हें श्रीलंका के रास्ते पर लेकर जा सकती है। मोदी जी ने शनिवार को 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने शिविर कार्यालय में सभी विभागों के सचिवों के साथ 4 घंटे की लंबी बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अलावा केंद्र सरकार के अन्य शीर्ष नौकरशाह भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री के साथ शनिवार को करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में कुछ सचिवों ने खुलकर बात की। उनका कहना था कि कुछ राज्य सरकारों की लोक लुभावन घोषणाओं और योजनाओं को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता है। अगर इन पर रोक नहीं लगाया जाता है तुरंत प्रभाव से, तो इससे राज्य आर्थिक रूप से बदहाल हो जाएंगे। उनका कहना है कि लोक लुभावन घोषणाओं और राज्यों की राजकोषीय स्थिति के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन राज्यों का श्रीलंका या यूनान जैसा हाल हो सकता है दोस्तों। यानी मोदी जी को उन्होंने एक तरीके से सजेशन दिया है कि उन राज्यों को रोका जाए जो फ्री में स्कीमें चला रही हैं और ये देश को गर्त में लेकर जा सकती हैं। आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर श्रीलंका के विपक्ष ने लगाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुहार, कहा हमारी मातृभूमि को बचाने में मदद कीजिए PM मोदी। जी हां दोस्तों,
दोस्तों श्रीलंका में भीषण आर्थिक संकट के बीच वहां से विपक्ष ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिथ प्रेमदासा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनके श्रीलंका देश को अधिकतम संभव सीमा तक मदद करने का आग्रह किया है। दोस्तों आपको बता दें जहां पर घटते विदेशी भंडार और ईंधन व भोजन की भारी कमी के साथ कर्ज में डूबा देश दशकों में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका में विदेश के नेता साजिथ प्रेमदासा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश दिया, कृपया कोशिश करें और श्रीलंका की यथासंभव मदद करें, यह हमारी मातृभूमि है, हमें अपनी मातृभूमि को बचाने की जरूरत है। मोदी जी कृपया हमारी मातृभूमि को बचाने में हमारी मदद करें। क्या ऐसे में मोदी जी को मदद करनी चाहिए दोस्तों? श्रीलंका की हायना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाबंदियों के चलते रशिया में दवाओं की कमी, लोग परेशान, सरकार कह रही है जमाखोरी हुई। जी हां दोस्तों, रूस में यूक्रेन पर युद्ध के कारण पश्चिम देशों की ओर से लगाए प्रतिबंधों से दवाओं की कमी हो गई है। कुछ अहम दवाओं का भंडार करने के संदेश सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं। मॉस्को और अन्य शहरों में कुछ दवाएं मिलना वास्तव में मुश्किल हो गया है। कजान के एक निवासी ने बताया है कि शहर के एक भी मेडिसिन शॉप दवाएं उपलब्ध नहीं है। और इसी बीच आपको बता दें, जहां पर यूक्रेन पर हमले को लेकर क्या पुतिन की होगी गिरफ्तारी सामने आया, इसको लेकर बहुत बड़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, क्या यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन? की गिरफ्तारी की जा सकती है? जी हां दोस्तों, ये सवाल जिनेवा स्थित इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट में उठाया गया है। जी हां दोस्तों, कोर्ट की पूर्व चीफ प्रोसिक्यूटर कार्ला डेल पोंटे ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की है। कार्ला डेल पोंटे ने शनिवार को स्विस अखबार ले टेम्स में प्रकाशित एक इंटरव्यू में ये बात कही है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि पुतिन एक युद्ध अपराधी है। साथ ही आपको बता दे दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी में शिवपाल को मिलेगा भरपूर सम्मान, डिप्यूटी स्पीकर बना अखिलेश के बगल बैठाने की बड़ी तैयारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव के तेवर बदले हुए हैं। चुनावों के बाद अखिलेश अपने सहयोगियों को साथ जोड़कर रखने में कामयाब नहीं हो पाते, ये पिछले 3 विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। यूपी चुनाव 2022 के बाद अब अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को नजरअंदाज कर रहे हैं और भाजपा इसका फायदा उठाने की कोशिश में है। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी अब विधानसभा में शिवपाल यादव को उपाध्यक्ष का पद देने की तैयारी कर रही है। उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के नेता को देने की परंपरा रही है। ऐसे में भाजपा एक तीर से दो शिकार करने की तैयारी में है। एक तरफ वो विधानसभा में अखिलेश यादव के समकक्ष शिवपाल यादव को बैठा देगी। अभी तक शिवपाल एक सपा विधायक के तौर पर ही विधानसभा में बैठेंगे, ये उनके कद के अनुरूप नहीं होगा। विधानसभा उपाध्यक्ष का पद मिलने के बाद वे नेता प्रतिपक्ष के बगल वाली कुर्सी पर बैठने के हकदार हो जाएंगे। इससे शिवपाल को नजरअंदाज करने की उनकी सारी कवायद फेल हो जाएगी। आपको बता दे दोस्तों, शिवपाल को डिप्टी स्पीकर बनाने की अटकलों से समाजवादी पार्टी में भारी बेचैनी मच गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी शिवपाल को डिप्टी स्पीकर बनाने के फैसले को आप लोग सराहना देंगे? दोस्तों कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही आपको बता दे, जहाँ बीजेपी के एजेंडे पर राज ठाकरे के उग्र तेवर, शिवसेना का विकल्प बनने की राह पर तो नहीं है राज ठाकरे? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे, राज ठाकरे के उग्र हिंदुत्व की ओर बढ़ते कदम और सीएम उद्धव पर उनके आक्रामक रुख के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री व बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने मुंबई में राज ठाकरे के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। ऐसे में चर्चाएं भी हैं कि क्या महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी के लिए राज ठाकरे शिवसेना का विकल्प तो नहीं बन रही है, क्योंकि राज ठाकरे ने 2019 के बाद से अपना सियासी ट्रैक ही चेंज कर रखा है। दरअसल शिवसेना महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी के साथ मिलकर लंबे समय तक हिंदुत्व के एजेंडे पर सियासी तौर पर कदम ताल करती रही। राज ठाकरे ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रखा था, लेकिन अब दोस्तों उनका झुकाव बीजेपी की तरफ होता दिखाई दे रहा है और उद्धव ठाकरे के खिलाफ आता नजर आ रहा है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय सुझाव होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी बीच आपको बता दे, जहां राज्यसभा जाने की अटकलों पर नीतीश कुमार ने लगाया ब्रेक, कहा मीडिया वाले ऐसे ही कुछ कुछ छापते रहते हैं। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की लगाई जा रही अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा
है कि मीडिया में कुछ भी बात आती रहती है जिसे हम भी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम एक विधान पार्षद हैं, ऐसे में हम इस चुनाव में वोटर हैं, लिहाजा वोट देने आए हैं। जो भी वोटर है उन्हें तो वोट देना ही चाहिए। राज्य में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि पूरे तौर पर सक्रियता के साथ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। अभी दो दिन पहले ही हमने लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा की है। यानी कि दोस्तों, राज्यसभा जाने के अटकलों को अभी नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया है दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। मिलते अगली खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।